हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम आप लोग के बीच जो बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 का तैयारी करवा रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री का पार्ट टू सेक्शन लेकर आए हैं। पार्ट वन और थ्री आप लोग अपलोड कर दिए थे, पार्ट टू आज आप लोग के बीच अपलोड कर रहे हैं। और इसमें जो पूछे जाने वाले VBI क्वेश्चन है, बस उसको हम सेलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन का जो PDF है, इसमें पिछले वर्ष के क्वेश्चन को भी अटैच कर दिया गया। और हम बता दें कि ये PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ लिंक आए, लिंक पर आप लोग क्लिक करिएगा, आप लोग को PDF मिल जाएगा। इस तरह के सभी PDF आप लोग लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सारे PDF आप लोग को मिल जाएंगे। हम आप लोग को बताएंगे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए केमिस्ट्री में, क्या उसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, सारे तरीके हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और फिजिक्स का भी क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बार एक चैप्टर वाइज करके आप लोग को हम वीडियो डालते रहे रेगुलर बेसिस के तौर पर। इसलिए आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स का तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए पॉलिटेक्निक का। चलते हैं, हम केमिस्ट्री का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, उसमें हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी ना, इसको तत्वों को कैसे रखा गया था। आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया है। मौसले साहब जो अभी आवर्त सारणी बनाए हैं, उसमें जो तत्वों को अरेंजमेंट किया गया है बढ़ती हुई परमाणु संख्या के अनुसार। पहले जो आप लोग आवर्त सारणी था मेंडलीफ वाला, उसमें जो रखा गया था द्रव्यमान संख्या के अनुसार, लेकिन इस बार वर्तमान में जो है उसको परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि आवर्त सारणी में धातु का स्थान है, आवर्त सारणी में जो धातु है ना उनका स्थान किधर है, तो दाहिने तरफ है। किधर है? दाहिने तरफ। एक आवर्त सारणी आप लोग निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा, उसमें जो रखा गया है धातु को वह दाहिनी तरफ रखा गया है। अब हम बताते हैं कि कौन सा एक संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व के बारे में जान लेते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं कि कौन सा है, तो तांबा एक कैसा है संक्रमण तत्व है। कैसा है? संक्रमण तत्व है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। हम फिर से आप लोग को बता दें कि PDF लेने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? देखिए यहाँ पे आधुनिक दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर। हम पहले भी बताए थे किस पर, परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक है, यह आप लोग नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर्त सारणी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है? तो क्लोरीन से। किस तत्व से? क्लोरीन से। क्लोरीन से आप लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? क्रोमियम और कॉपर। कौन सा? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर। एक बात और बता दें आप लोग को, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी डॉट पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को लिंक दे दिए हैं, वहाँ से टेलीग्राम पे आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, जो भी क्वेश्चन हो उस ग्रुप में सेंड कीजिए, आपको बनाकर भेज दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में परमाणु संख्या कितने होते हैं? आवर्त सारणी जो है ना, उसमें तीसरे आवर्त जो है उसमें परमाणु संख्या कितने हैं? तो आठ है। कितने हैं? आठ है। कितने हैं? आठ है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? देखिए तत्वों का वर्गीकरण जो है ना, सबसे पहले डोबेरनियर ने किया था। कौन किया था? डोबेरनियर किया था। इस तरह से बहुत किया, अभी जो किया है वो मौसले किया है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित है। आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, बड़ा रूप है, वो किस गुणधर्म पर आधारित है? तो परमाणु संख्या है, क्योंकि सबसे बड़ा पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी अभी का ही है जो परमाणु संख्या पर है। कौन सा तत्व संक्रमण तत्वों के कोटि में शामिल किया जाता है? तो कॉपर। कॉपर एक ऐसा तत्व है जो संक्रमण तत्वों के कोटि में शामिल किया जा सकता है। अल्कली धातु के परिवार का सदस्य नहीं होते हैं, तो रेडियम में कैसा है ना, जो अल्कली तत्वों के परिवार का सदस्य नहीं होता है, रेडियम बार बार पूछा जाता है, जो अल्कली धातु के परिवार का सदस्य नहीं होते हैं।
किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? फ्लोरीन का। किसकी? फ्लोरीन एक ऐसे है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मौसले साहब। कौन? मौसले ने दिए थे। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आप लोग के परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। बहुत ही बीबिया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ग के तत्वों का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तन होता है? तो बढ़ती है। बाएं से जब दाएं की तरफ चलते जाएंगे तो वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे फिर भी बढ़ता जाएगा। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग का यहाँ पूछा गया है, कोई तत्व नहीं पूछा गया। तो वर्ग की बात करें तो 7A। किसका? 7A का। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है? अब यहाँ पे आयतन पूछा गया, यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना था। आयतन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? तो आयतन घटती है। क्या होता है? आयतन घटती है। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन परमाणु की संख्या 5 होती है। ठीक है, ये आप लोग को 20 बीबीए क्वेश्चन हम आप लोग को बताएं। ये जो टॉपिक आप लोग आवर्त सारणी से रिलेटेड बताएं, इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ये PDF आप लोग हमारे चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट पूछने के लिए आप लोग, हम लिंक दे देते हैं आप लोग को। टेलीग्राम का लिंक से जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चन हो मुझे 11 बजे से 3 बजे तक ग्रुप में सेंड कीजिए। आप लोग को क्वेश्चन बना के भेज दिया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपकी सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करती है। विशेष जानकारी और लेना हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद। वॉचिंग फॉर यू।